एलसीआईटी नाम की एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, उसने कुछ दिन पहले ओपन कैंपस ऑर्गेनाइज किया था एक मल्टीनेशनल यूएस की कंपनी के नाम से, जो कि हमने पूरी जांच पड़ताल के बाद ये पाया कि वो फर्जी कैंपस था, क्योंकि उस कंपनी से भी एक रजिस्टर्ड मेल आ गया है कि हमने ऐसा कोई कैंपस नहीं किया था। पिछले 12 तारीख को ये कैंपस ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें यहाँ के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स लोगों को इन्वाइट किया गया, तो लगभग 300 से 350 बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए, और उनके साथ ये चीटिंग हुई है कि यहाँ कोई जांच हो इसमें बाकायदा, और इसमें जो भी 420C का केस जो भी लगे उस पर इंस्टीट्यूट पे कुछ एक्शन लिया जाए। सुबीर राय, कलेक्टर साहब से, राज्यपाल सर से ये मांग है कि इसकी जांच की जाए, कड़ी से कड़ी जांच की जाए, सत्य का पता लगाया जाए कि आखिर इस तरीके का फर्जीवाड़ा क्यों हुआ, और इन चीज़ों का फ़ायदा उठा के आगे चल के एडमिशन्स के टाइम पे ये इंस्टीट्यूट फ़ायदा उठाते हैं कि हमारे यहाँ कैंपस होता है, हमारे यहाँ अच्छी बड़ी कंपनियाँ आती हैं, तो इस बात का पूरी तरीके से खुलासा किया जाए। बारह का सिलेक्शन हुआ, उनमें 10 लोग उन्हीं के गुरुद्वारे के घासीदास यूनिवर्सिटी के जो बच्चे थे उनका कहना था कि हमारे यहाँ के बच्चे बहुत कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन उनका नहीं हुआ। हम लोगों ने इसके रिव्यू नहीं लिया है, ना ही कैंपस किया है, तो उनसे एक बार फ़ोन पे भी बात की एनसीआईटी के किसी ऑफिसर से, तो उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री दिया हुआ है। 420 का कैंप हो रहा है, फर्जी कैंपस इंट्रोड्यूस करके उन्होंने को भी दिखाया ना अपने इस लोकल प्रकाश प्रशासन भी स्टूडेंट्स बाहर के भी थे, सब गवर्नमेंट ने मेल किया है कि हमने ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज की कॉपी भी है, इसमें सारी कॉपी है। मैं कहीं अगर नहीं गया तो पक्का आ जाऊँगा, पता नहीं चल पाता कब क्या काम आ जाए।